नमस्कार दोस्तों, आज हम जानकारी लेने वाले मारुति का नया ऑटोमेटिक गाड़ी के बारे में। बिना स्टीयरिंग पर हाथ रखे चलेगी सड़क पर, हाइब्रिड 30 प्लस का होगा माइलेज। दोस्तों, इसके पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मारुति सुजुकी अपनी गाड़ियों में टेक्नोलॉजी को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपग्रेड जारी करने जा रही है। नए अपग्रेड के साथ मारुति सुजुकी की गाड़ियां प्रीमियम गाड़ियों के कंपटीशन देने के लिए दुनिया भर में खड़ी हो जाएगी। मारुति सुजुकी पहली बार ADAS फीचर वाली गाड़ी लेकर आ रही है। इस गाड़ी में ऑटोमेटिक लेज देखकर चलने की क्षमता होगी। लंबे हाईवे खुले सड़कों पर यह गाड़ी बिना स्टीयरिंग पकड़े की भी सफर पूरा कराएगी। साथ ही साथ इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल मोड भी होगा, जिसकी वजह से बिना एक्सलेटर पर पैर रखे हुए गाड़ियां खुद ब खुद स्पीड पर दौड़ती रहेगी। मारुति सुजुकी की आने वाली नई गाड़ी 7 सीटर वाली गाड़ी होगी, जो कि इर्टिगा और XL6 के ऊपर बड़ा मॉडल होगा। गाड़ी अपने वाले इनोवा टोयोटा हाईक्रॉस को कंपटीशन देगी। गाड़ी की कीमत 15 लाख से 20 लाख के बीच में होगी। गाड़ी के माइलेज की बात करें तो यह हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर विकसित की जा रही है, जिसकी वजह से यह पेट्रोल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल पैक का भी इस्तेमाल करेगी और कुल मिलाकर लगभग 30 किलोमीटर प्रति लीटर से ज़्यादा का माइलेज देगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ छोटी सी जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।